डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुरान ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको क्लास टेंथ का मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्केल्स करवाने जा रहा हूं। और अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नाउ आई एम स्टार्टिंग माय टॉपिक। माय टॉपिक इज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्केल्स। और हमारा सम है, इक्वेशन है 9x² - 15x + 6 = 0। अब हमारे पास इसमें क्या करना है, ये क्वेश्चन को हमने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्केल्स से करना है, रूट्स फाइंड नहीं करने इसमें, उस मेथड से नहीं करना, फैक्टराइजेशन से। हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जो इक्वेशन दी है उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास पहले फर्स्ट स्टेप होगा डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, तो हम इसमें 9 से डिवाइड करेंगे। 9x² - 15x - 6 = 0। यहाँ पर 9 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पर 15 और 9 3 के टेबल पर कट हो जाते हैं, तो यहाँ पर 3 5 15 एंड 3 3 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 5/3x। प्लस यहाँ पर ये भी कटिंग हो जाती है, ये 3 2 6 एंड 3 3 9, तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 = 0। अब हम इसमें जो कॉन्स्टेंट टर्म है 2/3, इसको इक्वल टू 0 के दूसरी साइड पर ले जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा x² - 5/3x = -2/3। अब यहाँ पर आप देखिए, जो हमारे पास कॉफिशियंट ऑफ x है वो हमारे पास है 5/3, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉफिशियंट ऑफ x That is equal to 5/3. अब हम इसके कोफिशिएंट का x का हाफ करेंगे, तो इसमें कर देते हैं हाफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो वो आ जाएगा 1/2 × 5/3, ये आपके पास आ जाएगा 5/6। अब जब हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करके आया है, उस टर्म का हम स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 25/36। अब ये जो हमारे पास 25/36 आया है, हम दोनों तरफ जो है लेफ्ट और राइट साइड पर ये जो टर्म है हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा x² - 5/3x + 25/36 = -2/3 + 25/36। अब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर अगर हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x के साथ माइनस है, तो ये माइनस की टर्म का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर सबसे पहले x² यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये आएगा x माइनस, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट माइनस में है। अब ये है 25/36, 25/36 5/6 का स्क्वायर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 5/6 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 36, इसका एलसीएम है 36 divided by 3 12 हो जाएगा, और 12 × -2 ये आ जाएगा -24, प्लस ये यहाँ पर आ जाएगा 25, तो ये आ जाएगा x - 5/6 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 1/36। तो यहाँ पर अब 1/36 जो है वो 1/6 का स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा x - 5/6 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1/6 का स्क्वायर। अब जब हम स्क्वायर हटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस, तो ये आ जाएगा x - 5/6 = ± 1/6। अब इसमें हम दो वैल्यूज लेंगे, एक बार हम ये लेके चलेंगे x - 5/6 = 1/6, और अगली बार x - 5/6 = −1/6। अब ये माइनस का 5/6 है, राइट साइड पर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा x = 1/6 + 5/6, यानी कि x आ जाएगा 6/6, यहाँ पर ये आ जाएगा 1 के बराबर। और दूसरा रूट फाइंड करेंगे x = −1/6 + 5/6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/6, यानी कि x की वैल्यू 2/3, तो ये हमारे पास उसका सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5x² - 6x - 2 = 0। अब हमारे पास यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 5 है, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे बाय 5, डिवाइड
by coefficient of x square. In that case, that is equal to 5. तो हम 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 5x square upon 5 minus 6 upon 5x minus 2 upon 5 equal to 0. अब यहाँ से 5 कैंसल हुआ तो ये आ जाएगा x square minus 6 upon 5x minus 2 upon 5 equal to 0. अब यहाँ पर minus 2 upon 5 यहाँ equal to के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये आ जाएगा x square minus 6 upon 5x equal to 2 upon 5. अब यहाँ पर आप देखिए कि x का कोफिशिएंट है 6 by 5, इसका मतलब हुआ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज इक्वल टू 6 over 5. अब हम इसका हाफ करेंगे, हाफ कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज, इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर जब हम इसके यहाँ ये 2 6 के साथ कटिंग होगी तो ये आ जाएगा 3 by 5. अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, हाफ कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर that is equal to 3 upon 5 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 9 upon 25. अब यहाँ पर हम दोनों साइड पर 9 upon 25 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर minus 6 upon 5x plus 9 upon 25 is equal to 2 by 25 plus 9 upon 25. अब 25 हमारे पास, इसको इस तरह से लिखेंगे प्लस माइनस यहाँ पर रूट ऑफ 19 अपॉन 5, ठीक है, यहाँ पर इसका स्क्वायर है x माइनस 3 बाई 5, यहाँ पर x माइनस 3 बाई 5 का होल स्क्वायर दैट इज 19 बाई 25. अब 19 बाई 25 को हम लिख देंगे रूट ऑफ 19 अपॉन 5 का होल स्क्वायर. अब यहाँ पर इसको जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 3 बाई 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 19 बाई 5. दैट मीन्स अब माइनस 3 बाई 5 को इधर ले जाते हैं तो x इज इक्वल टू 3 बाई 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 19 बाई 5. तो यहाँ पर ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट ऑफ 19 अपॉन 5, यानी कि इसकी दो वैल्यूज हो जाएंगी, एक आ जाएगी x इज 3 प्लस रूट ऑफ 19 बाई 5 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस रूट ऑफ 19 अपॉन 5. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0. अगेन यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे. नाउ डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर इस केस में 2 है तो हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0. ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5 और 2x प्लस 3 बाय 2 इक्वल टू 0. नाउ यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ x वो हमारे पास है 5 बाय 2 और इसका हाफ करेंगे, हाफ कोफिशिएंट ऑफ x that is 1 by 2 into 5 by 2, यह आ जाएगा 5 over 2. अब यहाँ पर इसका square करेंगे, half coefficient of x का square that is equal to 5 by 4 का square, यह आ जाएगा 25 by 16. तो इसमें हम 25 by 16 दोनों तरफ add करेंगे, यहाँ पर इसको लिखेंगे x square minus 5 by 2x is equal to minus 3 by 2. अब यहाँ पर आ जाएगा 25 by 16 ऐड कर दिया हमने, minus 3 by 2 plus 25 by 16. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x square minus 5 by 2x plus 25 by 16 है. तो यहाँ पर क्योंकि x का coefficient minus में है, तो ये perfect square हमारे पास minus का whole square बनेगा. तो आप यहाँ पर लिखेंगे x minus 25 by 16 5 by 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 by 4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 और 16 का एलसीएम है 16, 16 डिवाइड बाय 2 8 एंड 8 इनटू माइनस 3 दैट इज माइनस 24 प्लस 25. तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5 by 4 का होल स्क्वायर दैट इज 1 by 16 x माइनस 5 by 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 4 का होल स्क्वायर. अब जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाई 4, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 बाई 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई 4. अब यहाँ पर इसकी दो वैल्यूज होंगी, एक हमारे पास है
x माइनस 5 बाय 4 इक्वल टू 1 बाय 4, यहाँ से x इक्वल टू 1 बाय 4 प्लस 5 बाय 4 यानी कि आ जाएगा 6 बाय 4, तो इसका आंसर बनेगा 3 बाय 2। जब अगली बारी हम माइनस 1 बाय 4 लेंगे, x माइनस 1 बाय 4 इक्वल टू माइनस 1 बाय 4, तो x इक्वल टू माइनस 1 बाय 4 प्लस 5 बाय 4 दैट इज इक्वल टू 4 बाय 4, सो x विल कम आउट टू इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, एंड और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपको ये मेथड समझ आया होगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपकी वो प्रॉब्लम सारी आपको सॉल्व करके बता दूँ। थैंक यू।